हे गाइस, दिस अंकुश शर्मा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जब भी आप कोई एसएमएम पैनल यूज करते हो ना, तो आप लोगों ने देखा होगा भाई या फिर कहीं से सुना होगा कि एसएमएम पैनल पे ऐसे लिस्टेड रहता है कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई कराओ या आपका कोई भी सोशल मीडिया वेरीफाई करवाओ $50 में, $20 में, ठीक है $100 में। सिर्फ आपको प्रोफाइल का लिंक डालना है, ठीक है, और पैसे डालने हैं और आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। तो भाइयों, जानते हैं इसके पीछे का सच। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाइयों, हम ना शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपका इंस्टाग्राम है या आपकी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो कैसे वेरीफाई होती है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है भाई, कोई भी बंदा है या कोई भी कंपनी है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमस होनी चाहिए। मतलब अगर आप सलमान खान का नाम गूगल पे सर्च करोगे ना, तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से शो होता है, ठीक है, उनकी सारी चीजें। मतलब उनके आर्टिकल्स एकदम अलग सेक्शन में बन के आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम आर्टिकल्स जो बंदे को अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवानी है या जो कोई कंपनी को अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवानी है, उसके आने चाहिए। और भाई आर्टिकल्स भी ना ऐसे वैसे नहीं, ठीक है, पीआर आर्टिकल्स होने चाहिए, बहुत सारी न्यूज वाले आर्टिकल्स होने चाहिए। अब ये जो पीआर आर्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट, आपका नाम गूगल पे सर्च करते ही दिखना चाहिए, ठीक है, और आपके बहुत से आर्टिकल्स आने चाहिए, तभी हम मानते हैं कि हाँ भाई बंदा फेमस है और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और काफी नोन पर्सन है। तो भाई इसके बाद क्या, या तो आप काफी नोन पर्सनैलिटी हो, ठीक है, या तो आपने अपने आर्टिकल्स बनवा रखे किसी एजेंसी से, तो आपके पास दो मेथड होती है प्रोफाइल वेरीफाई करवाने की। पहला, सेल्फ वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है, आपको अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे वेरीफाई की रिक्वेस्ट डालनी है, और वहाँ पे चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज लाखों लोग फालतू के वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डालते हैं। तो मतलब समझ लो आपकी प्रोफाइल वहाँ ना के बराबर वेरीफाई होगी। तो भाई अब सेकंड मेथड है पोर्टल वेरिफिकेशन। तो भाई वो फेसबुक ने ना पोर्टल दे रखे, ठीक है, जो हर किसी के पास नहीं होते। अब वो पोर्टल्स किसके पास होते हैं पता है, वो पोर्टल्स होते हैं बड़ी बड़ी एजेंसी के पास, ठीक है, जो बंदे फेसबुक को एकदम अच्छी तरीके से जानते हो। तो उस पोर्टल का यूज करके आप अपनी प्रोफाइल के लिए वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्क भैया के साथ उन लोगों ने रिश्तेदारी बना रखी है। वो लोग ना भाई दिन रात फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, ठीक है, और वो बहुत सारा प्रॉफिट दे रहे हैं फेसबुक को, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। तो फेसबुक भाई कहता है कि लो मित्र पोर्टल रखो तुम। तो अब वो लोग ना भाई बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोफाइल के लिए। अब देखो, पोर्टल यूज करने से ना आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग लेते हैं आपसे पैसा। अब जहां तक मुझे पता है, वो लोग ना एक बार अप्लाई करने के लिए 50,000 रुपीज ले लेते हैं, और ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, अमाउंट 10 से 1 लाख के बीच में वेरी करता है। तो वो लोग क्या करेंगे पता है, आपसे पैसा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल देंगे पोर्टल में, और आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाए। लेकिन आप भाई एक सेलिब्रिटी होने चाहिए या आप एक नोटेबल पर्सन होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा भाई कि गूगल प्रेजेंस के बिना आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाए। तो भाई अब ये तो था कि आप अपना प्रोफाइल कैसे वेरीफाई करवा सकते हो। तो भाइयों, अब आप कभी भी एसएमएम पैनल्स पे देखते हो कि आप अपना प्रोफाइल वेरीफाई करवा लो, ठीक है, उसमें आपको पीआर आर्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको फेमस होने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप पैसे दो, एक हाथ पैसे दो और एक हाथ अपना वेरीफिकेशन बैज ले लो, वो भी 5-6 हज़ार रुपये में। भाई 5-6 हज़ार रुपये में वेरीफाई हो जाओ, मैं देता हूँ अभी 5-6 हज़ार में, मुझे वेरीफाई करो भाई। तो एक काम करना, मस्त अपने 80,000 के शूज हाथ में लो और ऐसे दौड़ो मिल्खा सिंह की तरह वहां से भागो एकदम भयंकर, क्योंकि वो है एकदम बढ़िया वाला स्कैम, ठीक है, स्कैम 1992 था वैसे, वो जो भी है स्कैम 2022 हो जाएगा दोस्तों आपके साथ, क्योंकि भाई हो ना इस तरह से मांग भैया आपको कभी भी वेरिफिकेशन बैच तो नहीं देंगे, हाँ एक लाफा जरूर दे देंगे गाल पे। अब देखो भाई, दूसरी चीज है, कुछ एसएमएम पैनल वाले ना आपसे आर्टिकल्स भी मांगते हैं, ठीक है, तो अगर वो आपसे आर्टिकल मांग रहे हैं ना, तो वो पक्का भाई पोर्टल से ही अप्लाई करने वाले हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो, उसमें ना आईडी पासवर्ड देने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पोर्टल से ना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो आपको रिफंड की गारंटी देते हैं, तो भाई आपकी प्रोबेबिलिटी है प्रोफाइल की कि वो वेरीफाई हो जाए। लेकिन फिर भी भाई, आपको कभी भी एसएमएम पैनल से ना अपनी प्रोफाइल के लिए वेरिफिकेशन बैज नहीं लाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि भाई 99% ना वहां पे स्कैम ही होते हैं। अब वेरिफिकेशन जो है वो आपको एजेंसीज के थ्रू करवाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एजेंसी बताता हूँ, ग्लो वेंचर्स। ये देखिए, इनका गूगल पे बहुत अच्छा प्रेजेंस है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है इनका। अगर आपको अपना कोई भी सोशल मीडिया हैंडल वेरीफाई करवाना है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भाइयों, ये वीडियो ना स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि मैंने भी अपने कुछ क्लाइंट्स की प्रोफाइल है ना ग्लो वेंचर से वेरीफाई करवाई है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भाई स्कैम में मत फंसो। अगर आपको प्रोफाइल वेरीफाई करवानी ही है, तो किसी अच्छी एजेंसी के थ्रू करवाओ। तो भाई वीडियो का कंक्लूजन यही था कि
SMM पैनल से आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होती है, और अगर हो भी रही है तो आप उससे दूर रहो। और अगर भाई आपको कोई भी SMM पैनल ना पोर्टल से भी वेरीफाई करके दे रहा है आपका अकाउंट, तो भी उससे दूर रहो, क्योंकि उनका सिस्टम तो उड़ा हुआ ही होता है। आपसे पैसे लेने के बाद क्या पता आपको रिप्लाई देना बंद कर दे, और वेबसाइट के थ्रू आप पकड़ोगे भी किसको। और अगर आप एजेंसी के थ्रू अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवा रहे हो, ठीक है, और वो अगर आपके साथ स्कैम कर देते हैं, तो आप एटलीस्ट उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, ठीक है। दाढ़ी को छोड़ो भाई, दाढ़ी तो देखो ही मत अपनी, बीएड अपन ने कटवा ली है उस गलती के कारण, ठीक है, एक गलती हो गई थी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।